साथियों, आज मैं एक बार फिर यहाँ आपके समक्ष रूबरू हूँ। मैं ग्राम पंचायत नेहरा मेरी धार के नेहरा वार्ड का युवक मंडल का प्रधान NL राणा। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि गांव वाले पानी के बिना कितने मुश्किल में है। और आज हम यहाँ नाले में पानी छोड़ने आए, घर से काफ़ी दूर, दो तीन किलोमीटर दूर। देखो, आप देख सकते हैं कितनी शक्तिगंज बने। ये देखिए, ये सब लोग जो है हमारे यहाँ काम करने आए हुए हैं। ये देखिए। अब मैं दिखाता हूँ आगे, हमारी एक टीम आगे चली गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही मुशक्कत के बाद यहाँ पर ये देखिए अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है यहाँ लोग पानी छोड़ने जा रहे हैं बड़ी मुश्किल के साथ। ये देखिए दोस्तों, कमांडो, ये देखिए बड़ी मुश्किल से हम यहाँ चढ़ पा रहे हैं। ये देखिए, हम अपना पानी का सोर्स लेने जा रहे हैं बड़ी मुश्किल के बाद, क्योंकि हमारा वहाँ पानी का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए हम गांव वाले खुद रबड़ की पाइप लेके जो है इसको यहाँ से जोड़ रहे हैं। ये देखिए, प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए गांव वाले ने फैसला किया कि अब किसी के भरोसे नहीं रह करके खुद ही अब, ये देखिए दोस्तों, खुद ही पानी छोड़ने जाना पड़ेगा। तो इसलिए सभी ने ये निर्णय लिया है कि पानी छोड़ने जो, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मुश्किल समय। ये देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है, यहाँ गिरने का भी बड़ा चांस है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मुश्किल भरा समय। ये देखिए दोस्तों, कैसे चढ़ाई में आधे लोग हमारे यहाँ नीचे इस नाले में है, वहाँ पर ज्वाइंट है, वहाँ पर है, बाकी लोग हमारे यहाँ देखिए ऊपर गए हुए हैं पहाड़ी में, जहाँ से हम पानी का सोर्स जोड़ रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये जो हमारा डोलाराम जी, हमारे जो पहले जो है ये हॉर्स हाउस में लगे हुए थे, लेकिन सुखू सरकार के आते ही इन लोगों को जो है निकाल दिया गया और ये बेरोज़गार है। और सबसे मेहनती लड़का और सबसे अच्छा काम करता है, और इन्होंने अपना सारा जो सामान लेके है, इन्होंने गांव वालों को बहुत हेल्प किया है और गांव वालों को पानी की सुविधा इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है। ये देखिए दोस्तों, ये गांव वाले खुद जो है अपना यहां पर मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए कैसे नाले से, ये दिखा रहे हम आपको, ये देखिए। हाँ जी, आपको कब से पानी की है समस्या आ रही है? ये देखिए जी, बहुत बुरा हाल है। ये जो है लोकपाल राणा, ये हमारे नेहरा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने का काम करते हैं, अध्यापक है। ये भी छुट्टियों के दिन जो है पानी की समस्या है, इसलिए जो है देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सभी लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए कहाँ कितने दूर, ये हमारे गांव में जो काफ़ी प्राथमिक ग्राम पंचायत नेहरा मेरी धार का गांव नेहरा गांव के लगभग 20 घर हैं, कम से कम 150-200 की आबादी है वहां पर पूरे गांव में। ये देखिए, यहां से हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सोर्स करके इकट्ठा किया और यहां पर जो है पानी का, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा टैंक बनाएंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी
फिटर साहब जिनको जो है सुख सरकार के आते ही जिनको और सोर्स में लगे हुए थे उनको निकाल दिया गया है। मैं सरकार से भी यह अनुरोध करूँगा, इस लड़के की वजह से गांव वाले जो है आज पानी पी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के कारण जो है इन्होंने बहुत ही लोगों को जो है इकट्ठा करके यहां पर ले आए और पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है इन्होंने जो है पूरी गाइडलाइन दी हमें कि ऐसा ऐसा करके यहाँ से पानी आ सकता है। तो सभी गाँव वाले मिल के आए और इनका साथ दिया और आज हम जो है पानी पी रहे हैं। अदरवाइज़ जो हम पानी की बहुत ही दिक्कत हो गई थी यहाँ पर, ना तो आदमी के लिए पानी ना डंगर पशु के लिए कुछ भी पानी की कोई भी सुविधा नहीं थी। ये देखिए सभी लोग जो है अपने अपने ड्यूटी को निभाते हुए, तो मैं आप सभी को एक बार फिर जो है लाइव आऊँगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा यहाँ काम कर लेते हैं क्योंकि सभी लोग थक, ये देखो काफ़ी लोग जो है पीछे भी आ रहे हैं गाँव वाले। ये देखिए कोई सामने, ये देखो सामने आपको देख, आप देखेंगे ये देखिए सामने जो है सोर्स के पास बंदे खड़े हैं, तो ये वहाँ पर जो है जो शटर लगा है वहाँ पर देखेंगे पानी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो एक बार मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।